अगर आप लोग टी वी देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं आप लोगों ने नोट किया होगा कि टी वी पर या अखबार पे या जितने भी दूसरे मीडियम हैं ट्रेडिशनल उनके ऊपर आपको एड्स दिखाए जाते हैं और इन एड्स के तहत वो चैनल या वो अखबार अपने पैसे बनाते हैं ये एड्स बुरी बात नहीं है लेकिन मसला ये है कि ये एड्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी नहीं होते तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप ख़बरनामा देख रहे हैं या कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई और चीज़ देख रहे हैं टी वी के ऊपर तो आपको बार बार एक कंपनी के या मुख्त कंपनियों के एड्स नज़र आते हैं और वो एड्स आपने एक बार देख लिए बार बार देख लिए लेकिन आपको मुसलसल बार बार वो दिखाए जाते हैं ये तरीक़ा जो है इसको हम आउटडोर मार्केटिंग कहते हैं आउट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि वो मार्केटिंग जो ज़बरदस्ती की जाए जो आप ज़बरदस्ती लोगों के सामने अपना मैसेज रखते हैं और ट्रेडिशनल मीडिया में जितनी भी एडवर्टाइजिंग हो रही है वो आउटडोर मार्केटिंग के ही एक मिसाल है सो मिसाल ले लीजिए कि अगर आप खबरनामा देख रहे हैं तो आपके ख़बर से खबर नामे से ब्रेक देकर आपको ऐड दिखाया जाता है और आपका इससे यूज़र एक्सपीरियंस डिस्टर्ब होता है सो so, आउटबॉम मार्केटिंग क्या करती है वो आपके ट्रेडिशनल बिहेवियर को डिस्टर्ब करके आपको इंटरप्ट करके आपको एक ऐड दिखाती है और उसके बाद आपको फिर कंटिन्यू किया जाता है अखबार में ले लें क्योंकि अखबार में जगह की कमी है तो आपको ख़बर जो है थोड़ी सी दिखा कर उसके बाद आपको बताया जाता है कि बकिया हिस्सा अंदर वाले पेज पर है और जो नीचे जगह होती है वो एड को दे दी जाती है और वो उनका ज़रिया माश भी है और उनको वो करना मजबूरी है इसी तरह से टी वी में चूँकि उनके पास एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं उन चौबीस घंटों के अंदर वो आपको अपना कॉन्टेंट भी दिखाते हैं और साथ ही उन्होंने अपना एड भी दिखाने हैं जिससे वो पैसे बनाते हैं सो ये दोनों चैनल्स की मजबूरी है लेकिन यही मजबूरी उनके लिए आ, मसला बनती गई अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग एक ही ऐड बार बार देखकर परेशान होने लग गए हैं और इसी यही वजह है कि अक्सर आपने नोट किया होगा कि आप जब इश्तहार आता है तो आप चैनल चेंज कर लेते हैं या इश्तहार आता है तो आप जो छोटे मोटे काम हैं आप जाके वो कर लेते हैं और या फिर आप इश्तहार आने की बेस पर आप अपना टीवी बंद करके अपना मोबाइल यूज़ कर लेते हैं या कुछ भी आपने जो भी काम रखे होते हैं दिन में आप ड्रामे के बीच में या ख़बरनामे के बीच में जहाँ जहाँ पर इश्तिहार आता है आप ये काम वहाँ करते हैं अब बिज़नेस का असूल ये है कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपकी एक प्रोडक्ट होती है या एक सर्विस होती है जिसको ख़रीदने के लिए ख़रीदार होता है अब उस खरीदार को मैसेज पहुंचाने के लिए आप टीवी या अखबार या दूसरे चैनल्स पर अपने ऐड लगाते हैं लेकिन इमेजिन करें उस बिज़नेस का क्या हाल होगा जिसका एड देखा ही नहीं जाता और वो उसके लाखों रुपये दे रहा अब यही वजह है कि ब्रांड्स अपने पैसे निकाल कर डिजीटल पर डाल रहे हैं और डिजिटल पे बे बेसिकली उनको ज़्यादा वैल्यू मिलती है ये जो आउटबाउंड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ये फेज़ आउट हो रहा है इसलिए कि अब इसमें एफेक्टिविटी का एलिमेंट ख़त्म हो गया है इसकी अफादियत नहीं रही क्योंकि एक ऐड आप सबको दिखाते हैं जिसमें बच्चा भी बैठा हुआ है जिसमें बाप भी बैठा हुआ है जिसमें माँ भी बैठी हुई है लेकिन इश्तार एक ही है सो आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप ख़ास लोगों को ख़ास किस्म का मैसेज दिखा सकें या खास किस्म का पैगाम दे सकें और यही वजह है कि ये जो तकनीक आउटबाउंड मार्केटिंग की रह गई है ये कुछ हलकों तक या कुछ ख़ास किस्म के एड्स तक लिमिटेड है वो ऐसे एड्स हैं जो जनरली सबको शायद अच्छे लगें लेकिन वो किसी ख़ास जगहों पर ख़ास लोगों के लिए नहीं बनाए जा सकते हमें आउटबाउंड मार्केटिंग समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ से निकल रहे हैं और लोग किस चीज़ से बाहर निकल कर किस बिज़नेस मॉडल में एंटर हो रहे हैं सो आउटबाउंड मार्केटिंग एक अभी भी इफेक्टिव मीडियम है खसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर डिजिटल की पेनीट्रेशन या इंटरनेट की पेनीट्रेशन इतनी नहीं है तब तक इंटरनेट नहीं पहुँच सका लेकिन आहस्ता आहिस्ता इंटरनेट भी फैल रहा है और लोगों के लिए इंटरनेट बाय करना और इंटरनेट इनेबल्ड फ़ोन या डिवाइस बाय करना आसान हो गया है जैसे जैसे ये फैलता जाएगा वैसे वैसे आउटडोर मार्केटिंग और कम होती जाएगी फिलहाल पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट है बट बाहर की दुनिया में आउटडोड मार्केटिंग आहिस्ता आहिस्ता आलमोस्ट ख़त्म ही होती जा रही है क्योंकि उनको लगता है कि इसमें पैसे डालने से फ़ायदा नहीं नुकसान ज़्यादा होता है